पटियाला में सब्जी मंडी के पास पुलिस पर हमला करने के बाद बदमाश एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गए थे। बदमाशों का पीछा करने वाली पुलिस ने गुरुद्वारे को घेर कर आरोपियों से आत्मसमर्पण की अपील की। पटियाला के पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे में जब पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। लिहाजा बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया। दोनों ही तरफ से गोली भी चली जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने गुरुद्वारे की तलाशी ली जिसमें भारी तादाद में हथियार और तलवारों के साथ एक पेट्रोल बम के अलावा 5 बोरी अफीम बरामद हुई। कोरोना और कर्फ्यू के दौर में पटियाला में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर पटियाला में निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद निहंग इस गुरुद्वारा साहिब में आ गए। यहाँ से वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। यहाँ पर 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 12 बजे के करीब वो ऑपरेशन खत्म हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन के बाद दावा किया है कि उन्होंने बहुत सारे देसी हथियार बरामद किए हैं, कट्टे बरामद किए हैं और बहुत सारा नशा बरामद किया है। और पुलिस कह रही है 35 लाख रुपया यहां से बरामद किया गया है। तो पंजाब पुलिस ने पटियाला में घटना कैसे हुई, सुबह सब्जी मंडी में निहंग सब्जी लेने गए, उनके पास पास नहीं था। पुलिस ने उनसे पूछा कि पास दिखाइए, पर उसके बाद एक निहंग ने पुलिस पर हमला कर दिया जिसमें पुलिसकर्मी हैं जो वो जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी चंडीगढ़ PGI में दाखिल हैं। तो उसके बाद पुलिस ने ये ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के बाद वो लोग मान नहीं रहे थे सरेंडर करने को। नेगोशिएशन चल रही थी, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी इसी गुरुद्वारा में, पर उसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन किया और उनको अरेस्ट किया। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे, वो नेगोशिएशन करना चाहते थे। उन्होंने आके कहा था कि क्राइम हो गया है, आप सरेंडर कर दीजिए, पर जो निहंग सिंह थे वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। हालांकि सिख पंथ में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी इस घटना की निंदा की है। सिख जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये असली निहंग नहीं थे जिन्होंने ये किया। तो इस मामले को लेकर लगातार पंजाब में एक बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि पंजाब में कर्फ्यू है और कोरोना पूरे देश में है, तो कर्फ्यू और कोरोना के दौर में इस तरह की घटना होना बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रही थी। तो पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में नाके और मुस्तैद किए जाएंगे। गुरुद्वारा साहब से आप गाड़ियों के अच्छे तो हमने हाथ जोड़ के बिल्कुल भेज दी, तो नहीं की जब पुलिस पार्टी गुरुद्वारा साहब के पास आई तो अंदर से फायर की आवाज़, तो अंदर से आवाज़ें भी आई, जैसे फिर हमने इसको अंदर एंटर किए। जो मेन गुरुद्वारा साहब है उसकी उसके अंदर नहीं गए, हम वहाँ कंपाउंड में एंटर किए, उसमें एंटर करके हमने तो उससे बात की, तो इन्होंने हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक किया। उस कफर में एक इनका बंद भी इंजर्ड हुआ है, तो हमने 9 बंदों को अरेस्ट कर दिया इंक्लूडिंग द लेडीज।